लेट जाओ तू रिछा में होली की चौपाई के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। घटना में दोनों पक्ष के करीब 5 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति के हाथ में गोली भी लगी है। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने क्रॉस FIR दर्ज कर ली है और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। भूता थाना क्षेत्र के गांव रिछा में होली की चौपाई का आयोजन चल रहा था। गांव के सैकड़ों लोग चौपाई में शामिल हुए थे। इस दौरान गांव के ही निर्भान सिंह की रवि से मामूली कहासुनी हो गई। इस पर रवि और उनके साथियों ने निर्भान सिंह को जमकर पीट दिया। इससे उनके सिर पर कई गंभीर चोटें आ गईं। जब इसकी जानकारी निर्भान सिंह के पक्ष के लोगों को हुई तो उन्होंने रवि शर्मा के घर पर धावा बोल दिया, मारपीट के साथ फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली रवि के हाथ में भी जा धसी। इससे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को खदेड़ कर किसी तरीके से स्थिति को संभाला। कुमार रिछा के रहने वाले, अरे शाम लड़ाई हुई 8 बजे के टाइम पे, झगड़ा हुआ था। बिनो ने मेरे चाचा के लिए मारा था, निर्भान सिंह, आदेश सिंह और वो लालू सिंह, इन लोगों ने मारा। उसके बाद ये मोहल्ले में आए मेरे मारपीट करने के बाद, में इनमें फिर झगड़ा हुआ। उसके बाद वो पुलिस गई, उन्होंने थाने में पकड़ के इन लोग हमारे चाचा को बंद कर दिया। और उसके बाद फिर ये लोग 1:30 बजे रात के, वो हमारा चचेरा भाई लड़का था, उसके लिए सोते हुए इन्हें फायर मारा जाके। फायर हाथ में लगा, दो उंगली कट गई उसकी हैं। अच्छा, दो उंगली कट गई। ये पुलिस वाले गए वहाँ से उठा के लेके आए, इन्होंने थाने में ला के फर्जी साइन करा लिए, कुछ करा लिए, साइन इनने करा लिए उससे, उसी से रवि साइन करा लिए थे। फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट भेज दिया गया। हाँ, अब आप लोगों ने यहाँ तहरीर दी? तहरीर दी, मेरे साथ भी हाथापाई कर रहे हैं ये लोग, मुझे थाने से नहीं जाने दे रहे हैं इधर उधर। हाँ, हमारे सबको लिए घेर के बैठा लिया है यहाँ थाने में। कितने लोगों को बैठा लिया आपके लोग? आप हैं, मैं 20-25 लोग, सबके लिए जाने नहीं दे रहे हैं, घर पे नहीं जाने दे रहे हैं, कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, कुछ भी थाने में बैठा लिया, थाने में बैठा लिया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रही। और